गुड मॉर्निंग। कोल्ड ड्रिंक पियोगे? नहीं पीनी? तो चलो एक क्वेश्चन बता दो। कभी आपने ये सोचा है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो किस तरह से कोल्ड ड्रिंक स्ट्रो में ऊपर चली जाती है और हमारे मुंह में आ जाती है? या फिर कभी आप लोगों ने ये दवाई पी है? हाँ, नहीं पी? पी तो जरूर होगी जब आप छोटे होगे। अपने मम्मी पापा से पूछना, आपको जरूर पिलाई। तो आपने देखा होगा जब हम छोटे बच्चों को इससे दवाई पिलाते हैं, है ना, ये इससे ड्रॉपर बोलते हैं इसको, तो किस तरह से हम इस शीशी के अंदर जो दवाई होती है, जैसे ही हम इसको दबाएंगे वो दवाई इसके अंदर आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है बताओगे? नहीं पता? तो हमें तो आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और उस टॉपिक का क्या नाम है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर? आइए स्टार्ट करते हैं। इसको समझने के लिए कि एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, बोर्ड पे आपको एक चश्मे वाला लड़का दिखाई दे रहा है। चश्मे वाला लड़का मैं भी हूं, पर मुझे नहीं देखना, इसको देखो। ओके, देखिए दिखाई दे रहा है। चलो आप मुझे लो, मैं भी चश्मे वाला लड़का हूं। तो एक बात बताओ, हमारे आसपास क्या है? हवा है, एयर है ना? यहाँ एयर, यहाँ एयर, यहाँ एयर, नीचे एयर। और उस हवा के पास, उस एयर के पास वजन है? तो है, आंसर है। उस हवा के पास वेट है। सो बताइए, क्या वो हवा हमारे पे प्रेशर लगा रही है? हाँ, वो हम पे प्रेशर लगा रही है। देखिए, इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? हवा है, और उस हवा के पास वेट है, जिसके कारण वो हमारे पे प्रेशर लगा रही है, इधर 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 इधर, है ना? और इस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो हवा है वो हवा हमारे पे दबाव लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, और इस प्रेशर का नाम हमने क्या दिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको जानना है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे आसपास है या नहीं, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप देखिए इस वीडियो में। हमने एक गिलास लिया था, गिलास में पानी डाला था, और उसके ऊपर एक हमने कार्ड रखा था, और गिलास को हमने ऐसे उल्टा कर दिया था, और फिर हमने धीरे धीरे हाथ हटा लिया था। तो हम क्या देखते थे कि पानी नीचे नहीं गिरता था। क्यों नहीं गिरता था पानी नीचे? क्योंकि नीचे से हवा का प्रेशर होता था। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण पानी नीचे नहीं गिरता था। इसी प्रेशर को हमने क्या नाम दिया था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। ओके, सो जो ये लड़का है चश्मे वाला, इसके आसपास या ऊपर की तरफ क्या है? एयर। ये एयर के पास क्या है? वेट है, और ये हवा इस पे दबाव लगा रही है, और उस प्रेशर को हमने क्या नाम दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? ओके। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये लड़का पहाड़ों पे रहता हो, माउंटेन पे, ठीक है, ये लड़का पहाड़ों पे रहता हो, तब इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? या फिर एक क्वेश्चन बताइए, एक बार ये लड़का पहाड़ों पे रहता हो और एक बार ये लड़का सी लेवल पे समुंदर के नजदीक रहता हो, समझ में आई बात? एक बार लड़का ये यहां पर रह रहा है और एक बार लड़का ये यहां पर रह रहा है, तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा? तो आंसर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, सी लेवल पे ज्यादा होगा और पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए कि अगर हम बात करते हैं ऊपर हाइट की, ये चीज देखिए, ऊपर तक ले जाइए जहां तक एयर है, और इसको भी ऊपर तक ले जाइए जहां तक ऊपर एयर है, तो बताइए इस हिस्से में हवा ज्यादा होगी या इस हिस्से में हवा ज्यादा होगी? आंसर है इस हिस्से में हवा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये हाइट क्या है, यहां पर ज्यादा होगी। यहां पर हवा ज्यादा होगी तो हवा का वेट भी यहां ज्यादा होगा, तो यहां पर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सो सी लेवल पे एटमोस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो उसके ऊपर की हाइट है, वो जो ऊपर का कॉलम है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू माउंटेन का। ओके, सो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है।
ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ओके क्लियर। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे कोस्टिक प्रेशर कम होता जाता है। सो आइए अब जानते हैं कि क्यों जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो कोल्ड ड्रिंक ऊपर की तरफ क्यों आती है। फिगर को देखिए, यहां एक लड़का कोल्ड ड्रिंक पी रहा है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रो, है ना, ये स्ट्रो की हेल्प से वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना। गिलास है, गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक है और ये स्ट्रो है जो कि ये देखो कोल्ड ड्रिंक ऊपर जाते हुए मैंने दिखाई दी। अब देखिए क्या होता है, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं है ना, तो हम सक करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ हवा खींचेंगे, करते हैं ऐसे, जिसके कारण क्या होता है, जो यहां की जो एयर है इस हिस्से की एयर, ध्यान से देखो बेटा ये वाला हिस्सा है ना, हमने ये अपनी तरफ खींच ली। अगर हम एयर खींच लेंगे तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, हमने एयर खींच ली, यहां का प्रेशर कम हो जाएगा। और यहां का प्रेशर क्या होगा, ऊपर से एयर का प्रेशर है मतलब एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, यहां से तो हमने हवा निकाल ली, जिसके कारण यहां प्रेशर क्या हो गया, कम, और उसके मुकाबले यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो बताओ क्या होगा। अब देखो बेटा ये मार्कर है, ऊपर प्रेशर है 5 का, नीचे प्रेशर है 10 का, तो ये चीज कहां जाएगी, ऊपर। सिंपल सी बात है ना, मानो ऊपर प्रेशर हो 10 का, नीचे हो प्रेशर 5 का, तो ये चीज कहां जाएगी, नीचे। इसी तरह यहां प्रेशर कम है और यहां प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण ये लिक्विड कहां जाएगा, ऊपर। ओके बेटा, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये कोल्ड ड्रिंक या लिक्विड ऊपर जाता है, क्योंकि हमने यहां पर एयर को सक कर लिया, जिसके कारण यहां प्रेशर क्या हो गया, कम, और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, जिसके कारण ये लिक्विड ऊपर जाता है। इसी तरह बेटा अगर आपने देखा हो ये ड्रॉपर, देखा है कभी, ये दवाई पिलाते हैं ना बच्चों को, आपने भी की होगी जब आप छोटे होते थे, है ना। ये देखो इसमें भी यही एप्लीकेशन होती है, किस तरह से हम इसको ऐसे दबाते हैं, है ना, जब इसको हम दबाते हैं तो दवाई इसके अंदर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही होता है। देखिए आपके सामने यहां देखिए एक कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड भर रखा है और ये ड्रॉपर है। जैसे हम इसको यहां पर दबाएंगे तो क्या होगा, इसके जो ऊपर की एयर है ये खींच लेगा, जिसके कारण यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, जिसके कारण ये लिक्विड ऊपर चला जाएगा। सो ये सब खेल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। सो ऐसे कोई भी अगर एग्जांपल आता है सो उसमें रीजन क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके सो आज हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कहां पर ज्यादा कहां पर कम होता है, और उसके क्या डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है। आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। सो कल मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल देखते हैं क्या हम पढ़ेंगे। ओके सो असाइनमेंट कीजिए, अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए। बाय।